छोटका बच्चा को क्या कहते हैं एल नीनो, आ छोटकी लड़की रहेगी नो तो ला नीनो, तो जैसे हम लोग कहते हैं बाबू बाबू, आ लड़की रहेगी तो बबुनी बबुनी, वो क्या कहता है एल नीनो, आ लड़का लड़की रहेगी तो ला नीना, तो आप लोग भी अपने बाल बच्चा का नाम क्या रखोगे एल नीनो और ला नीनो, समझा रहा है कि नहीं हो गया। अब अभी वर्तमान समय में लड़का सब एल नीनो है सब, और आप लोग ला नीना, लेकिन आप लोग ने एकदम छोटा बच्चा को एल नीनो बोलते हैं फ्रेंच स्पेनिश भाषा में। अब समझो क्या है, ये पेरू तट है, पेरू तट से दूरी पर प्रशांत महासागर में यहां पर समुद्री, क्योंकि यहां समुद्र बहुत बड़ा है, तो बहुत ज्यादा एरिया में समुद्र होने की वजह से इस एरिया में जलधाराओं में एक एक जैसे ये पेरू तट है और यहां भारत है, ये नक्शा तो आप लोग को समझ में आने लगा होगा, दिमाग में बैठ गया होगा ये वाला नक्शा, ये वाला जो प्रशांत महासागर में, तो इतना बड़ा समुद्र है ना कि यहां पे ऊपर से जब जलधाराएं आती हैं नीचे से आती हैं तो यहां हलचल पैदा हो जाता है, यहां क्या पैदा होता है हलचल, जिससे कि एक जलधाराओं की क्या होती है उत्पत्ति होती है। तो एल नीनो की धारा की उत्पत्ति किस महासागर में होती है प्रशांत महासागर, किस तट से दूरी पर पेरू तट से, और ये इसके बाद इस दिशा में चल देती है, किस दिशा में चलेगी आगे की ओर। अब आपको पता है जब आगे की ओर चलेगी तो इधर से निकलेगी, इधर से निकल जाती है, तो एल नीनो धारा गर्म है, कैसी धारा गर्म, और ये गर्म जल धारा यहां आके पूरे हिंद महासागर को क्या कर देती है गर्म कर देती है, हिंद महासागर क्या कर देगी गर्म कर दे। किसी को दिक्कत एकदम, इसमें हम लोग देखते हैं उसमें दिख रहा होगा अजीब टाइप का, ये पेरू तट से यहां पर उत्पन्न होगी, यहां से क्या होगी उत्पन्न होगी। अच्छा अभी तो गर्म जलधारा, अब बनेगा गर्म जलधारा, ये बन गया लाल रंग का कर दी, तो यहां से निकलेगी और कहां पहुंच जाएगी हिंद महासागर में, यहां आपको दिख रहा होगा हम सीधे पहुंच गई, बट इस नक्शा में आपको लग रहा होगा घूम के आई है, बल्कि ये कोई घूम के नहीं आई है, पृथ्वी क्या है गोल है, पृथ्वी क्या है गोल है, घूम के नहीं आई है सीधे आई है यहां पे एल नीनो, और कहां पहुंच गई हिंद महासागर, इतना खचरा है ये कौन एल नीनो, एल नीनो लड़का है तो इसको बॉय, हाँ नहीं समझ में आया, एल नीनो पहुंच गया। अब ये पहुंचता कभी गर्मी के दिन में, अब समझो क्या बदमाशी करता है ये, भारत में गर्मी पड़ा है, गर्मी यहां भी गर्मी के दिन में पहुंचता है जून के महीना में, अब ये एरिया पूरा गर्म है, जब ये एरिया गर्म होता है तो किसी भी गर्म एरिया में हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं, गर्म एरिया में हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, अब जब हवाएं ऊपर उठ जाएंगी तो बाकी हवाएं इसे भरने के लिए जाएंगी, बाकी हवाएं क्या करने जाएंगी भरने, तो हिंद महासागर की हवाएं इसे भरने के लिए चली जाती थी, हिंद महासागर की हवाएं इसे भरने के लिए चली जाती थी, और जब ये हिंद महासागर से हवाएं आती थी तो हिंद महासागर से आने वाली जो हवाएं हैं ये क्या करती थी मानसून लेके आती थी, क्या लेके आती थी क्या लेके आएंगी मानसून, मानसून क्या कहते हैं पानी वाला बादल को क्या कहते हैं मानसून, अपने रास्ते में मानसून ले आके भारत में पटक देती थी, भारत में बारिश हो जाता था। लेकिन जिस साल एल नीनो आ जाता है, जिस साल एल नीनो आ जाता है यहां भी गर्मी पड़ रहा है, और यही ना हवाएं जाके वहां कर रही थी, यहां की इसी एरिया को गर्म कर देता है, यहां की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं, जो आगे जाना चाहिए गर्म होकर क्या हो जाती है ऊपर उठ जाती, तो क्या मानसून आगे जा पाता है, मानसून क्या हो जाता है ऊपर अटक जाता है, मानसून ऊपर अटक जाएगा तो बारिश नहीं होती है, बारिश कम होती है, तो अब गर्मी के दिन ज्यादा हो जाएगा बारिश कम होगी, बारिश कम होने के कारण फसलें भारत में बर्बाद हो जाएंगी, क्योंकि भारत में किसान आज भी भारत वर्षा जल पर निर्भर है, वहां पे वहां की फसल नष्ट हो जाएगी, और एल नीनो आ गया मतलब बारिश नहीं होगी और किसान बेचारा आत्महत्या कर लेगा, बरसेगा ही नहीं यहाँ पे। अब भारत सरकार, आप में ज्यादातर लोग किसान फैमिली से होंगे, आप लोग में के पिताजी क्या होंगे ज्यादातर के किसान होंगे, किसी के बिजनेसमैन होंगे, किसी के सर्वेलर, ज्यादातर के किसान होंगे, आप ईमानदारी से बताओ कितनी बार आपने रेडियो पे ये सुना होगा या फिर सरकार ने ये न्यूज दिया होगा कि इस साल एल नीनो आने का प्रभाव है, बारिश कम होगा अतः ऐसी ही फसल बोइए जो पानी की कम खपत करे, कभी सुने हैं हाँ कभी नहीं सुने, सुनेंगे कौन सी कल बारिश होगा, अरे बैल कही का कल बारिश होगा तो हम आज क्या करें, खूब से खूब घर से नहीं निकलेंगे, किसानों के लिए भी कुछ होना चाहिए कि नहीं, कुछ नहीं, बेचारा किसान अपने भरोसे जी रहा है यहाँ पर, किसान इसका अब हम लोग थोड़े ना इसको पता कर पाएंगे, इसके लिए तो सैटेलाइट की जरूरत होती है, पूरी दुनिया को देखते रहे कि एल नीनो चल दिया कि नहीं चल दिया, हम लोग तो कंसेप्ट नहीं बता सकते, गवर्नमेंट इस पर एकदम सोया हुआ है, समझा गया कि नहीं, कुछ ध्यान नहीं देती।